हेलो दोस्तों, एक हमारे पास छोटा सा फार्म है, देसी प्योर देसी मुर्गी फार्म। 50 मुर्गियाँ हमारे पास प्योर देसी मुर्गी हैं। इनको हम क्या करते हैं, रात का घर का बचा हुआ खाना डालते हैं। ये देखो, रात का बचा हुआ खाना हम इनको डाल दिए। कितने चाव से खा रहे हैं देखो, ये बड़े चाव से खा रहे हैं। रात का बचा हुआ खाना खा लें, आराम से खाएंगे बचा हुआ खाना। ये प्योर देसी मुर्गी फार्म है, प्योर देसी। इसमें कोई सोनाली FFI बॉयलर कोई नहीं, प्योर देसी मुर्गी फार्म है। टेनिंग गागस असील और कड़कनाथ। जो हमारे पास 50 बच्चे हैं, सोते हमने सेल कर दिए। गर्मी का सीजन आ गया ना, अभी हमने मुर्गी अंडों पर बैठा रखी है। वापस सर्दियों के मौसम में उनको सो के लगभग कर लेंगे। इसे हमारा हर महीने का एवरेज 30-35 हज़ार रुपया हर महीने का एवरेज पड़ता है। खाने की फीड का कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये भी सिर्फ और सिर्फ फ्री रेंज में घूमते जानवर और घर का बचा हुआ खाना। जो हमारे घर में बचा हुआ खाना है वो हम उनको डाल देते हैं और ये खा लेते हैं। भाई फीड का कोई खर्चा नहीं है, फीड खाते नहीं हम। बाजरा डालते हैं नहीं खाते हैं, गेहूँ डालते हैं नहीं खाते, वैसे पड़ रहते हैं। जंगली जानवर आके खा जाते हैं, लेकिन इनमें बस घर का बचा हुआ खाना। और तो बाजार से जो सब्जियाँ होती है, सब्जी मंडी में वो ला के इनको हमको खिला देते हैं। इसे हमारा ये चल रहा है देखो, फर्स्ट क्लास। हमारे पास ये फ्री एरिया में घुमाते हैं, सुबह ले सुबह निकालते हैं, शाम को इनको अंदर कर देते हैं। ये तो पूरा फ्री एरिया है। ये पेड़ों के पत्ते वगैरह गिरते हैं, ये खा लेते हैं, ये खा पाके। ये बगल हमारा इनका फार्म है, पक्का फार्म बना रखे हमने। इसके अंदर वो बंद कर देते हैं शाम के समय में और बस आराम से घूमते रहते हैं लोग। ये फार्म के आगे छोटे छोटे चूजे हमने निकला रखे हैं असील के, वो देखो निकल रहे हैं। ये असील के चूजे हैं, ये मुर्गी लिए घूम रही है। असील के चूजे हैं पूरे, इनको भी बोले ये 10-12 दिन के हुए अब तकरीबन, और कैसे भाग रहे हो। ये असील के चूजे हैं पूरे। ये हमारा छोटा सा फार्म है, फार्म के सामने हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये तो हमने बगीचा कर रखा है उनको हरी सब्जी खिलाने के लिए, पेड़ पौधे के। तो हमारे को बिल्कुल फ्री के फ्री ये इनका अंडे मिल रहे हैं। इनमें कोई फीड का खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। हमने चारों तरफ जाली बना रखी है जिसमें बिल्ली कुत्ता अंदर ना घुसे, इनको नुकसान नहीं पहुँचाए। आराम से घूमते रहते हैं और घर का खाना बचा उनको हम डाल देते हैं। ये देखो, ये प्योर देसी मुर्गे हैं। ये प्योर देसी, इतने प्योर देसी मुर्गे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्योर देसी, कोई बीमारी नहीं, कोई सब बिल्कुल तंदुरुस्त। मुर्गी का बच्चा मरता है मुर्गी के दबके, जो मुर्गी मुर्गी को लड़ते झगड़ा करते उसे मरता है। बाकी बीमारी कोई इनमें बीमारी नहीं, हमको दवाई देते हैं ना, हम कोई बाहर का इनको फीड देते हैं। सिर्फ घर का फीड और बाजरा इनको खिलाते हैं। कैसे भाग रहे थे ये, बहुत इसमें वो फोर्स है, बहुत ताकत है, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत। देखिए बच्चे दूर दूर तक, पेड़ नहीं पेड़ के गिरते, अभी फल लग रहे हैं, फल गिर रहे हैं, खा रहे हैं फलों के बीच, फूल खा रहे हैं। देखिए ये घर का खाना खा रहे हैं बस, मज़ा। शाम तक घूमते रहते हैं कीड़े मकोड़े। अभी ये बारिश हो गया, बारिश के लिए कीड़े मकोड़े ठंड में बहुत आ रहे हैं, बस खा रहे हैं। ये देखो, ये असील मुर्गा, ये असील की आवाज़ देगा कितना बोलता है। ये देखो, ये तो हमारा थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म। आपको कैसा लगा प्योर देसी मुर्गा, कमेंट में जरूर करके बताइए। भाई हमने बिल्कुल फ्री रेंज एरिया में छोड़ रखा उनको, कोई फीड का खर्चा नहीं है, कोई रुखवाले नहीं है। सुबह शाम एक बार देखते हैं और बस शाम तक अंडे ले लेते हैं। अभी गर्मी का सीजन आ गया, अंडे थोड़े कम बिक रहे हैं। बाकी सर्दी तो हमारे 50 रुपये का अंडा बिका था, हमने मुर्गे काफ़ी सेल कर दिए, ले गए पालने वाले। अभी हमारे पास 50 के अलग लमसम बच्चे हैं और मुर्गियाँ बच्चों पर बैठा रखी है। बाकी आपके सामने देखो, ये जो मुर्गा मुर्गी के बारे में जानता है ना, वो पहचान लेगा कितने तगड़े कॉस्टली मुर्गे हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।